बिहार बोर्ड मैट्रिक के जितने भी छात्र हैं, बिहार बोर्ड की ओर से सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग को कभी पता भी यहाँ पे होगा कि आप लोग का नया लिंक बिहार बोर्ड की ओर से जारी किया गया है, जिससे आप बिल्कुल तरह से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि वीडियो में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप बस आप एक क्लिक में डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, इस लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और मेरा दावा है कि 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप चुटकियों में डाउनलोड कर पाएंगे अपने मोबाइल में, अपने फोन में। तो यहां पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डाउनलोड कर लिया, अब कैसे किया, चलिए आपको यहां पर समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको जरूरी है जानने। चलिए आगे देख। तो प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पर। देखिए फटाफट आप लोग कर सकते हैं, हमने एक लिंक जो है यहाँ पे कॉपी कर चुके हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। और यहाँ पे करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिंक पेस्ट किए हैं और सर्च कर देंगे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिफ्रेश मारना है, यहाँ पे आराम से आ जाएगा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हमने इससे पहले आपको डाउनलोड कर किए हुए थे, जो कि ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। देखिए आपको सिंपली यहाँ से बैक जाना है, चलिए हमने बैक आए। अब आपको यहाँ पे फटाफट करना है, आपको भर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे भर चुके हैं, और सिंपली यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाता है, आप इसको भविष्य के लिए यहाँ पे आपको प्रिंट आउट दिख रहा है, प्रिंट आउट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रहने देते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।